Hi this is Sonia Hussein and you're watching something hot असलम मेरा नाम है आमना आप देख रहे हैं समथिंग ऑट एक ऐसा इंटरव्यू है जिसका आप लोगों को बहुत बहुत दिनों से बहुत हफ्तों से बेसब्री से इंतज़ार था मैंने इनको कहा कि देर कर दी मेहरबान आते आते और कोर्स शेयर मैंने गलत पढ़ा है बट मेरी पर्सनल फेवरेट हैं आप लोग ये इस्टेबलिश कर चुके हैं कि मेरा कितना वायस है इनकी तरफ इसलिए आज का इंटरव्यू बहुत ही हार्ड हिटिंग होगा इनको मैंने कहा है कि अब वो सवाल होंगे जो बहुत मुश्किल और बहुत सख्त वाले हैं लेकिन ये ऐसी एक्ट्रेस हैं जो कि जिनकी मेरे ख्याल है टैलेंट इज़ वर्ल्ड क्लास ऐसे डाइवर्स रोल्स इन्होंने किए हैं और बहुत सीरियस रोल्स किए हैं खूबसूरती है इनकी वो भी वे वर्ल्ड क्लास है मिस वर्ल्ड से उनको कंपेयर किया जाता है एंड आई थिंक शी इज़ मच मोर ब्यूटिफुल ड्रामे वो ऐसे चुनती हैं जो कि बहुत सॉलिड कैरेक्टर्स हों बहुत रिप्रजेंटेशन ऑफ वमेन बहुत सॉलिड हो बहुत सी बातें करेंगे आज

मोहब्बत तुझे अलविदा की उल्फत और एक तरफ है शराब <laughs> की हूर एग्जैक्टली सो लेट मी डाइव स्ट्रेट इट मेरे सब दिमाग में जो सवाल है ना वो इस वक्त ये है कि आपने टेलीविजन भी आप कर रही हैं 2011 से एंड यू डन सिनेमा इज़ वेल एंड यू डन सम वेरी वेरी सॉलिड प्रोजेक्ट्स ऑन टीवी हाउ आर यू चूजिंग योर प्रोजेक्ट्स एज एन सब्जेक्ट वाइज हाँ मतलब हर स्क्रिप्ट पढ़ के आप कैसे ये सोचते हो कि ये मैंने करना है या नहीं करना बेसिकली uh, uh, मुझे ये होता है, पहले सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि मैंने लास्ट जो सब सारे कैरेक्टर्स कर लिए हैं वो मैं रिपीट ना करूँ क्योंकि ओबियसली आप जब रिपीट कर रहे होते हैं तो आप भी होता है कि ऐसा लगता है फ्री में जाके उस परफॉर्मेंस के पैसे ले रहे हैं क्योंकि आप वो सारी अपनी एफर्ट वो सब एक्सप्लोर कर चुके होते हैं उस कैरेक्टर को तो आई थिंक दोबारा से उसको उसी तरह से देना जरूरी अच्छा नहीं लगता सेकेंडली मैं चाहती हूँ कि जो नए नए सब्जेक्ट क्योंकि मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में यह बात कही थी कि बींग एन एक्टर बड़ी जिम्मेदारी होती है हमारी तरफ और मैं शुरू से सोचती थी कि कोई ऐसी चीज़ हो जिस कोई ऐसा यू you नो know, मैं जो चाहती हूँ अपने मैसेजेस पहुँचाना जिस बारे में बात करना चाहती हूँ तो मैं कहीं ना कहीं कन्वे कर सकूँ वो ऑडियंस को तो आई थिंक इससे भीतर कोई नहीं है कि आप है। थ्रू दिस मीडियम अपनी वो बात कर सकें हाँ। तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट होता है कोई भी ऐसा कैरेक्टर होता है जो मैं चाहती हूँ कि अच्छा हाँ नहीं ये कैरेक्टर मुझे पोर्ट्रेट करना चाहिए मेरी गुड़िया है या उसके बाद इवन आंगन में रोड आई लिटरली मेक श्योर कि जब प्रोजेक्ट कर रहे हो ना तो उसके बाद बेशक नेगेटिव से स्टार्ट होता हो कहीं से भी स्टार्ट होता हो लेकिन उसके साथ एक लेसन जरूर एसोसिएटेड हो एस बिल्कुल, बिल्कुल, वो एक जिम्मेदारी बनती है बिल्कुल बिल्कुल और अब शराब की अगर बात करें उसमें तो ऐसा आ, बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है और आजकल पूरी दुनिया में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे इतनी बात होती हुँ, हुँ, है कितना मुश्किल था ये कैरेक्टर को अडेप्ट करना मुश्किल एक तो ये एक तो आपने ये जो बात कही कि पूरी दुनिया में लिटरली आमना जब हम जब मैंने पहला पोस्ट लगाया था शराब का तो मेरा पूरा इंस्टाग्राम भर गया था इस मैसेज़स से जब मैंने कहा था कि मैं एक वीडियो करूँगी उस तरह से वो कर अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पाई तो लोगों ने लोगों ने हमें रीच आउट किया वो एक्चुअली इसी बारे में बात करना चाहते हैं तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम ऐसा स्क्रिप्ट करें जो वाकई जिसको टैबू समझा जाता है उसके जफिन एक ऐसा एक ऐसी बीमारी है जो शायद हंड्रेड परसेंट लोगों में फ़ाइव परसेंट लोगों में पाई जाती है तो टीम बनाई हमने हम टीवी ने मुझे मैं बड़ी खुश हूँ इस मामले में कि आई uh, मीन I mean, मैं बड़ी खुश हूँ इस बात को लेके कि हम टीवी इस तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं वो उठाते हैं वर्ना यूजुअली आपने देखा जिस तरह के ड्रामास हो रहे हैं दूसरे चैनल्स पे हर कोई कमर्शियल ड्रामास के पीछे भागने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है आमना कि मैं बहुत देखती देखते कि लोग कहते हैं कि हम कोई नई चीज देखना चाहते हैं हमें वही सास बहू वाली चीजें वो सब क्यों दिखाया जाता है मगर शराब को लोग उस तरह से नहीं अप्रिशिएट करते जिस तरह से दूसरे ड्रामाज होते हैं आई डोंट नो ये भी एक आप समझ लें सर्टेन एक ऑडियंस है जो देखती है इस तरह की चीज़ें हर कोई देखना पसंद नहीं करता लोग कहते हैं डिप्रेसिंग है आप देखेंगे नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा कि क्या है है उसको कैसे हैंडल करना है। बिल्कुल मुझे लगता है जैसे कि आपका जो कैरेक्टर है ऊर का एक तो यू परफॉर्मड इट सो वेल कि मैंने तो रिव्यूज में भी मैंने और हसन ने कई दफ़ा बात की कि हम वो ड्रामा देखते ही फॉर योर परफॉर्मेंस एंड योर रिलेशनशिप विद असम द और उसके साथ जो रिलेशनशिप है उसकी वजह से वो ड्रामा देखने को दिल चाहता है लेकिन आउटस्कर्ट्स पे वो 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 सास बहू वाला प्रॉब्लम फिर भी आ गया है यू नो you know? क्योंकि मेरी ये ये बात हुई थी ये हाँ। आपकी वाली बात क्योंकि मैं स्क्रिप्ट पे इस तरह से बहुत बात करती हूँ तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा जरूरी नहीं है वैसे सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व करना मगर वो कहते हैं कि नहीं कहीं ना कहीं क्योंकि हर तरह की ऑडियंस हमारी होती है वो हर तरह की चीज़ों को आपको यू नो हर तरह के ऑडियंस को कैटर करना जरूरी होता है तो अगर कोई आधी ऑडियंस अगर वो के लिए देखेगी तो आधी ऑडियंस अपने प्रॉब्लम्स भी देखना चाहेगी, के तो सारे ऐसे लोग होते हैं महरूमी होती है और उनको ऐसा होता है कि उस महरूमी को टॉन्ट किया जा रहा होता है तुम्हारी वजह से नहीं नहीं बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कितनी कॉमन प्रॉब्लम है तो आई थिंक ये भी दिखाना जरूरी था कि किस तरह से डील करते हैं हम लोग आजकल नहीं लगा था यू आर सच अ सॉफ्ट स्पोकन पर्सन और कैरेक्टर भी जो है वो बहुत सहमा हुआ और मतलब बहुत ज्यादा उस पर फोकस होना चाहिए था ज्यादा तो वो जो बहने हैं ना की ओ माई गॉड बहने और अम्मा जो है उन तीनों को अगर आप एक कमरे में बंद कर दें तो मेरे ख्याल है कि किसी और जितने को बोलने आप मुझसे सवाल पूछिए इस सब के बारे में मेरी कोई लिटरली इतनी लंबी लंबी डिस्कशन होती थी हाँ। मैं कहती थी कि लगना चाहिए सब एक फैमिली से हैं है एक फैमिली में अलग अलग किस्म से लोग बात नहीं करते सब सिमिलर ही होते अगर लाउड है तो सब लाउड सब लाउड होते हैं तो उन्होंने उसकी ये लॉजिक भी दी थी कि अगर हम क्योंकि मैंने कहा अगर हमारी मदर इस तरह से बात करें बहनें तो बहुत अच्छी तरह तमीज से बात करती हाँ, हैं मदर थोड़ी सी होती हैं कि हाय हाय ये क्यों हाँ, हो गया, हाँ, वो हाँ, क्यों हो हो गया गया हाँ। वो तो मैंने कहा कि हमारी अम्मी क्यों ऐसे बात बात कर कर हैं हम क्यों इस तरह से बात नहीं रहे तो उन्होंने कहा नहीं इसके पीछे लॉजिक ये कि होता है कभी मदर साइड से फादर साइड से कोई ना कोई इस तरह का होता है क्योंकि वो आपने देखा है कि बीच में वो जादू टूना पे ले जाते हैं और वो बहुत अच्छा है तो वो उन्होंने शायद कहीं ना कहीं उसको एक जस्टिफाई uh, करने की कोशिश की है कि hmm. अगर आप दिखाते पढ़ी लिखी कोई खातून hmm. और वो अगर पढ़ी लिखी तरीके से बात कर रही होती वैसे hmm. तो लिखे लोगों में बहुत पाई जाती है आ, इस तरह के जादू टोना hmm. hmm. बीमारी hmm. ये होता है लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं फिर वो लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे तो मुझे समझ आई ये बात जो तो मुझे आपकी बातें के ऐसा लग रहा है कि कहीं से ये ना कहीं से ओवर ना हो जाए कहीं hmm. ऐसा ना हो कि वो सिम्टम्स आपको याद है ऑटिज्म के ऊपर भी कितनी मैं हुई उस थी स्पेक्ट्रम पे के नहीं, hmm. है, hmm. के नहीं, hmm. नहीं है और बहुत लोगों ने कहा कि नहीं है तो वो हाउ डू यू फील आफ्टर दैट वो ड्रामा शुरू होने से पहले बन गई थी बिल्कुल नहीं ऑब्वियसली देखें सब हम सब के एक हद तक एक नॉलेज होती है और ये बात जहां तक देखी जाए कि सिम्टम्स जो ऑटिज्म के ऑब्वियसली ऑटिज्म एक डिफरेंट है लेकिन ऑटिज्म के बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं वो स्किजोफिनिया में भी पाए जाते हैं जैसे रेपिटेटिव आपकी स्पीच होती है बहुत सारी चीजें होती है तो आप अगर उसको ओवरलैप अगर बहुत सारे लोग करते हैं और एक जमाने तक करते आए हैं जब तक डीएसएम फाइव थ्योरी जब तक नहीं आई थी तब तक लोग ओवरलैप करते थे इस चीज़ को लेकिन ये अब पता लग गया कि ये ऑटिज्म एक बिल्कुल डिफरेंट डिसऑर्डर है और वो अलग है तो मेरी नॉलेज में नहीं था तो वो लोगों ने उस बात को इतना उस तरह से किया डिस होती हूँ मैं लेकिन नहीं ऑब्वियसली किसी चीज पे अगर आपको करेक्ट किया जाए तो इसमें कोई नहीं है उसके बाद में ज्यादा और इस चीज को लेके कि कोई चीज गलत ना चली जाए बिल्कुल, ड्रामे बिल्कुल, में क्योंकि ऑब्वियसली ड्रामा तो एक एक लार्जर ऑडियंस देख रही हाँ, होती है नहीं ड्रामे में तो एज फार एज द स्किज्सोफ्रेनिक पर्सन इज कंसर्न्ड बल्कि इवन जो थेरेपिस्ट होती है उसने बड़ी अच्छी बातें की सारी और अल्लाह करे कि लोगों को समझ आए इस चीज़ की वो क्योंकि लोग मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं समझते जनरली लेकिन वापस चलते हैं सोशल मीडिया पे एंड द फैक्ट दैट यू आर अ वेरी प्राइवेट पर्सन और ऐसा नहीं है कि आप रोज आप सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीरें नहीं। नहीं। लगा रहे हो और जो लगती है हाँ यू आप उसे भागते हो एंड येट कल अनाउंसमेंट हुई है कि आपका यूट्यूब चैनल शुरू हो गया <laughs> तो ये ये कैसे हुआ तो ये बेसिकली इसकी भी जिस तरह हमारा एक साल से इंटरव्यू का लाइनअप हो रहा है उसी तरह से यूट्यूब वाले भी ये जिस जानी साहब हैं वो कहते हैं नहीं नहीं आपका होना चाहिए और ऑडियंस को पता होना चाहिए कि आप बिहाइंड द सीन्स कैसे करते हैं क्योंकि एक दफ़ा हुआ ये कि हम शराब के सेट पर थे तो वो समी के साथ वो काम कर रहे थे तो वो अचानक से सेट पर आ गए तो वो अब वो मुझे ऑब्जर्व किया जा रहे हैं उनका पता नहीं कौन है क्यों ऐसे देख रहे हैं

फोर्टी मिनट्स का ड्रामा देखते हैं और उस पर इतनी सारी लोग आते हैं देखते हैं बस कहते हैं अच्छा ठीक है ड्रामा हाँ, देख लिया लेकिन हाँ। उसके पीछे कितनी मेहनत होती है और किस तरह से सेक्टर बिल्डअप होता है और किस तरह से आप अपने उसको उस कैरेक्टर में लेके आते हैं तो अगर वो कहने लगे कि ये चीजें देखें तो शायद ज्यादा उस चीज से रिलेट कर सकें कि वाकई ये कैरेक्टर कैसे बिल्ड होता है तो मैंने कहा अच्छा ठीक है तो बस आप करें मेरे साथ साथ आ जाए मैं खुद से तो कुछ नहीं कर सकती तो वो अब इस तरह से हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया बहुत सारे लोग ये कहते थे कि नहीं आपकी फैशन सेंस में क्या बिल्कुल, है बिल्कुल. आप स्टाइल स्टेटमेंट कैसे करते हैं तो वो सारी चीजें मैंने कहा चलो मैं बताती जाती हाँ, हूँ मेरे ख्याल इंटरेस्ट है

और फिर इस साल आपके दो ड्रामे आए एक जाहिद के साथ और एक समी, एक के, समी साथ. के साथ ऐसा स्पिन ऑफ हुआ तो ये इतफाक से लोगों ने कहा कि भी ये इनकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है बड़ी अच्छी जोड़ी है इनको इकट्ठे जी जी। कास्ट किया जाए जी जी जी। इतफाक भी है और कहीं ना कहीं मेरी एक तो ये व्यूअर बात नहीं कर रही मैं भी बात करी क्योंकि आपका को एक्टर का जब जिस तरह की ये है कहानियाँ जिस तरह की मोहब्बत और जलविदा जिस तरह की मोहब्बत दिखाई है उल्फत और शाहान की और शराब में जिस तरह से वो उसको सपोर्ट कर रहा है वो एक उससे गुजर रही है डिसऑर्डर आगे, हाँ। आगे, तो बगैर मैं काम कर ही नहीं पाती मैं नहीं। कितने, कितना आप अपनी तरफ से एक्टिंग कर लें बिल्कुल तो उन्होंने मुझे जो जितने भी ऑप्शन आते थे सबसे पहले इन लोगों का नाम होता था तो मैं कहती थी हाँ डन डन मैंने कहा किसी और ऑप्शन पे जाए ना मैम बड़ा कंसर्न होती है इस बात से मेरा को एक्टर कौन है

वैसे हमने सोनिया बातें बहुत सुनी है फिल्म की शूट के बारे में <laughs> फिल्म के सेट के बारे में का, काफी कुछ नहीं बहुत अच्छा काम किया है सब हाँ। ने आ, कासिम बहुत अपने काम से सिंसियर है और वो उनकी पहली डायरेक्शन है तो वो तो बहुत अपने चीजों को लेके एक एक शॉट को लेके हर वक्त बैठे रहते थे तो मैं बहुत अच्छा लगता है जब कोई डायरेक्टर अपनी चीजों को लेके इस तरह से हो मगर ये अच्छा ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था अच्छा था जब रिलीज होगी तब हो हम पूरे कास्ट के साथ बैठ के एक दफा फिर गपशप मारेंगे लेट्स गो टू वर्ड्स मोहब्बत तुझे अलविदा एक ऐसा सीरियल है जिसपे इतनी कंट्रोवर्सी और इतनी बातें बनी हैं डिड यू नो दैट वो कितना इंस्पायर्ड है जुदाई से no I didn't फिल्में मैं बहुत ही कम देखती हूँ आपको पता है कि मैं, मैं हमेशा से मेडिकल स्टूडेंट रही हूँ तो कहाँ टाइम होता है और हमारे घर में तो शुरू से आप इतना हैरान होंगे इस बात पे हमारे घर में तो टेलीविजन ही नहीं है शुरू से नहीं। नहीं। तो हम लोग तो बड़ा दूर रहे इन चीज़ों से एक्टिंग में आके एक्चुअली मैंने शुरू किए हैं चीज़ें देखना ये अच्छा रेड कार्पेट क्या होता है ओ अच्छा ब्लॉगर्स भी होते हैं जर्नलिस्ट भी होते हैं सारी चीजें अब सो आना भी तो um, नहीं ये जरूर होता है कि बहुत सारे स्क्रिप्ट आते हैं तो प्रोड्यूसर कॉल करके कहता है कि ये उस कहानी हुँ। से हमने इंस्पायर्ड है और ये है वो है तो बाय द वे कोई बात होती तो होती है लेकिन ये थोड़ी क्या वो कहानी देखने लग जाएंगे हुँ। अच्छा उस तरह से और अगर देखना भी होता तो मैं तो इंटेंशनली नहीं, नहीं देखती कोई इस तरह की राइट राइट पता नहीं लेकिन जब पहला टीजर आया और आई थिंक चैनल को मैं चैनल से मैं बड़ा अपसेट थी इस बारे में कि उन्होंने टीजर उसको इस तरह से काटा कि वो लग रहा था लिटरली कि वो एक आ, फिल्म से काटा गया है गया। फिर आपने देखी देखी फिल्म जाके जी जी ऑफ कोर्स क्योंकि देखी। इतनी कंट्रोवर्सी हुई हाँ। थी मैंने कहा ऐसा क्या हाँ। <laughs> ऐसा क्या इसमें तो नहीं मैंने देखी फिर फिल्म तो आ, हाँ ऐसा है कि स्टोरी लाइन और प्लॉट लिया गया है वहां से लेकिन चीजें बहुत मुख्तलिफ है I mean, reaction, जो हम और शाहान का रिलेशनशिप है उस तरह से वो obviously elaborate नहीं किया गया फिल्म के अंदर जिस तरह से जो सब लेके अभी तक उसी बारे में बात हैं मैं बहुत अपसेट होते हैं इस बारे में कि आप किसी एक पॉइंट को लेके बैठ जाते हैं आप उसके दूसरे जाविए नहीं देखते स्टोरी के मैंने ये फिल्म इस तरह से कंसीव की थी मैंने ये सोचा था कि कोई एक लड़की है जो अपने शोहर से बेहद मोहब्बत करती है अब वो इतनी मोहब्बत करती है इतनी मोहब्बत करती है कि वो, वो उसको ये होता है कि अगर ये पचास औरतों में भी मैं इसको छोड़ दूंगी ना ये वहाँ पे भी, भी खड़ा हो जाएगा नहीं नहीं उल्फत इस, मैं तो उल्फत का हूँ हाँ। हाँ। हा, उस, तो वो तो बहुत इस बारे में कॉन्फिडेंट तो है उसकी शादी कराई इसलिए वो अगर उसको इतना से भी पता हो कि चला जाएगा तो वो कभी उसकी शादी ना कराती मगर ये की ये आई थिंक हम करते <laughs> करते हैं मेरे इस इस बारे या करते हैं आदमियों दे 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 को नहीं, वो, वो नहीं वफ़ादारी जहाँ तक बात हाँ। आती है ना तो आपको ट्रस्ट करना मैं मैंने जाहिर से ये सवाल पूछा था कि क्या एक मर्द को एक वक्त दो औरतों से एक जितना इश्क हो सकता है बिल्कुल हो सकता है बट आस्किंग यू द क्वेश्चन नाउ कि क्या एक औरत

स्क्रिप्ट से पहले बहुत डिस्कशन होती है right. कि कैसे आप hmm. कैरेक्टर कर, इस तरह का आर्क कैसे है उसका hmm. वो क्यों इस तरह से बात कर रहा है तो राइटर कहते हैं राइटर ने जो बात कही और मैंने इस तरह से उसको कैरेक्टर लेके भी चली हूँ कि वो बहुत ना भोली सी है उल्फत hmm. वो बेवकूफ़ सी है वो बनती है कि मैं बड़ी चलाक हूँ और मुझे बहुत कुछ पता है जिंदगी के बारे में एक्चुअली कुछ भी नहीं पता उसको पता ही नहीं कि मैं जो करूंगी उसका रिएक्शन क्या होने वाला है वो समझती जिस तरह से मैं सोच रही हूँ जिंदगी में सारी चीजें बस वैसी ही होने वाली है जबकि वैसा नहीं होता जिंदगी कुछ और सोचा होता है आपके लिए तो इसीलिए शुरू से आप देखें जो उल्फत का दिखाया है कि इस तरह से कि अम, हाँ, हाँ, ये, ये करूंगी ये इस हाँ, तरह से तो वो बेवकूफ उसको हाँ, इस इस तरह तरह से दिखाया है है क्यों तो बहुत है तो बहुत एक बेवकूफ लड़की हाँ, ही इस तरह का स्टेप कर of ले सकती ऑफ ऑफ कोर्स कोर्स कभी कभी आपको लगता था जैसे कि आपको पुश किया जा रहा है कि थोड़ा सा उल्फत को एक एग्जैजरेशन होना चाहिए एक नॉर्मल कैरेक्टर का और थोड़ा लिटिल लाउडर देन नॉर्मल या थोड़ा सा ज्यादा उसमें डालो बिकॉज यू आर अ वेरी

डायरेक्टर और हम दोनों डिस्कस करके ही क्या उसको करते थे और जब मैं मुझे आप कभी एक्साइटेड देखेंगी ना तो मैं ऐसी हो जाती हूँ हमने छिपकली देखी थी तो थोड़ी सी वो उससे मुझे झलक नजर आई तो तो शायद क्योंकि लोगों ने मुझे इस तरह से देखा नहीं है हाँ। तो वो उनके लिए हजम करना ज़रा मुश्किल होता है लेकिन ऑब्वियसली वो कैरेक्टर है तो कैरेक्टर तो अगर आप एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से डिफरेंट नहीं करेंगे तो आप उस पर डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि अच्छा ये अलग है वो अलग है अब जैसे शराब गया है तो लोग आसानी से कह सकते हैं देख के कि ये हूर है और ये उल्फत है मतलब आपको एक से दो मिनट नहीं लगेंगे उसको पहचानने में कि कौन absolutely, absolutely. तो मेरा ऑब्वियसली ये इंटेंशनली एक वो होता है कि डिसीशन uh, होता है कि कभी भी ऐसा ना लगे कि आपके दो ड्रामाज एक साथ चल रहे हैं तो hmm. लोग कहें अच्छा ये वो वाला ड्रामा है कि वो, वो वाला, था? है बिल्कुल बिल्कुल तो बस यही एक इसके पीछे uh, hmm. जो हमारा इंटेंशन था इंटेंशन था, था वो पीछे. यही था कि कैरेक्टर डिफरेंट होना चाहिए हाँ. अब वो लाउड हो जाती है अचानक से एक्साइटमेंट हाँ. में तो वो आई थिंक बस यही होगा कि मोहब्बतें बांटता रहेगा वो <laughs> मोहब्बतें बांटता रहेगा उसको जरा सा कंट्रोल में जाहिद ने क्या कहा था उस सवाल के जवाब जाहिद ने यही कहा था कि हो सकती है अच्छा उसने कहा था उसने कहा था, कहा था कि मर्द को बिल्कुल आप वाली इसमें ही एकोड योर थॉट कि उसने कहा कि एक मर्द को दो औरतों से हो सकती है शायद ऊपर नीचे होती रहे कि एक वक्त पे एक पे ज्यादा एक पे कम है लेकिन जनरली हो, हो सकती है एक मेरे ख्याल हो सकती है <laughs> <laughs> नहीं, नहीं, मगर एक औरत अपने मियां को इजाजत नहीं दे सकती दूसरी शादी की हमारे कल्चर में वैसे तो अरब वर्ल्ड में एक वक्त पे चार चार बीवियां होती हैप्पी उनकी फैमिली सिस्टम्स फर्क है लेकिन मेरे ख्याल है हमारे मर्द शायद निभा नहीं सकते बिकॉज दो बीबियों का मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट विद बोथ वाइफ वो जरा सा ट्रिकी हो जाता है और बहुत जगह पे ये भी होता है ना कि एक को खुश करने के लिए दूसरे की बुराई कर भी है जो किया नहीं, भी था। जो कहा मैं थो, थोड़ा सा वो सीन क्योंकि मुझे पीछे रिएक्शन देना था मैं जब टीवी पर देख रही थी तो मैं मारूक्टली मेरे साथ डिनर करने आया मैंने इसके लिए इतनी मेहनत की और कहता चार ब्लॉक की दूरी तकलीफ ब्लॉक एक तो उसको कोई जरूरत नहीं थी शतरंज खेलने की अपने ससुर के साथ <laughs> वो ये कह सकता था कि उल्फत ने नहीं वहाँ खाना पे भी वहाँ पे भी एक बात ये थी कि वो ऑब्वियसली क्योंकि वो दोनों को लेके चल रहा है ना अब वो पीछे उल्फत के साथ उसके फादर ने जो कुछ भी देखा था वो जो, जो कुछ भी हो रहा है तो ऑब्वियसली उसको उसको भी तो थोड़ा सा वो hmm. वो वो करना करना है 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 ना पैम्पर oh, हाँ. को भी भी तो 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 जाती है, वो कहता मुझे निकलना है, तो उसके उसके हाँ. फादर कहते हैं अच्छा मेरी बेटी के साथ यहां ऐसा हाँ, 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 साथ ऐसा हो रहा रहा रुक नहीं नहीं पता हाँ, हाँ. तो, लेकिन बिकॉज ऑफ योर पॉपुलरिटी एंड दैट पीपल लाइक उल्फत लव उल्फत लोगों को उल्फत बावजूद इसके कि उल्फत ने पंद्रह करोड़ लिए शादी करने के उसके बावजूद so पीपल, cheap. तो चीप, नहीं, नहीं, नहीं उसके बावजूद पीपल लाइक उल्फत yeah. और उन्होंने ये स्टेब्लिश कर लिया कि नहीं शफक तो है ही मिसनी mm. जो कि वो है mm. जो कैरेक्टर है बिल्कुल उसका कि यू you नो know, उसको तो पता था कि एक गलत चीज mm. हो रही है तो उसको करने की जरूरत नहीं थी थिंक hmm. वो, वो है तो अपने हाँ। हिसाब से वो, तो तो वो इमोशनल नहीं है उसका कैरेक्टर देखा जाए तो वो एक अलग स्टोरी डिफाइन hmm. कर रहा है मेरे हिसाब से अलग एक story hmm. बिल्कुल, बिल्कुल. Um, तो हम कैरेक्टर्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और मुझे लग रहा है जैसे बहुत रिएक्शन है आप अपना सोचते हो कैरेक्टर बैठ के उसको चूज भी बहुत केयरफुली करते हो एक बहुत ट्रिवियल सी चीज़ है जो बहुत लोग नोट करते हैं और बहुत लोग हमें भी रिव्यूज में कॉमेंट्स में भेजते हैं कि सोनिया से पूछेगा कि उनके नाखरों के रंग क्यों बदलते रहते हैं <laughs> <laughs> आप लोग देख लें इस इंटरव्यू में उनके नाखड़ों का एक ही रंग रहेगा <laughs> इस बात से मैं भी बहुत परेशान हूँ <laughs> मैंने खुद विटनेस किया है सोनिया और मैं एक ही जगह से मैंने कराते हैं और मैंने उनको पूछा जाके मैंने कहा बात सुनो ये सोनिया नेल्स लगाती कहती नहीं मैम उनके बड़े हेल्दी नेल्स मतलब... बहुत सारे कलर्स पे नहीं ट्राई करती जब हाँ। होती आ, कभी, आ, वो, कुछ कहते है नबीला बिल्कुल, बिल्कुल, और... <laughs> और एक मरून है नील पेंट बस ये दोनों होती है लेकिन वो क्योंकि सीन्स एक कुछ बहुत पहले हुए हुए होते हैं और कुछ बहुत बाद में हुए होते हैं तो ऑब्वियसली ये मुझे लगता है जब ये कॉन्टीन्यूटी uh, की बात आती है ना तो एक्टर को ब्लेम करना तो यूजलेस बात है, है। हाँ। क्योंकि सेट पे आपके पास एक असिस्टेंट uh, डायरेक्टर होता है असिस्टेंट डायरेक्टर का भी एक सेकेंड एडी होता है फिर थर्ड एडी होता है इतनी सारी जब टीम एक प्रोडक्शन हाउस लेके चल रहा है तो उनका काम ही यही होता है कि आप एक्टर को इतना भी बताएं कि अच्छा नहीं आपके बाल इस तरफ थे तो अब अगले शॉर्ट में आपके बाल इस तरफ ना आ रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं क्योंकि हम काम कर रहे होते हैं ना तो आमना हम लोग इतने इन्वॉल्व होते हैं मैं मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं अपने जो जो मेरा इमोशन है उसकी कॉन्टीन्यूटी दे के चलूँ कि अगर मैं पहले इस पिच पे बात कर रही करी बहुत सारे एक्टर्स ये भी नहीं करते लेकिन वो जिम्मेदारी होती है वहां मैं कहूँगी एक्टर्स को क्लेम करना चाहिए कि अगर आपने पिछला सीन इस पिच इस पे किया है और आप बेशक उसके छह महीने बाद भी उसका अगला सीन कर, करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने लास्ट सीन किस पे किया और उसी से मुझे अपना सीन स्टार्ट करना है तो इतनी तो जिम्मेदारी एक्टर की है right. मगर कपड़े क्या हैं या प्रोडक्शन हाउस में कपड़े जला दिए या कपड़े कहीं खो गए yeah. तो वो कहते हैं अच्छा मैनेज कर लें तो वो एक्टर की जिम्मेदारी नहीं, नहीं फिर है फिर उनको ऑब्वियसली सीन तो करना है ना एब्सोल्युटली तो ये... Yeah, कि आप सबका कर... सवालों का जवाब भी एक्टर्स है <laughs> है, तो so, you होते हैं वो अपने दिमाग में रखते हैं कि जी हमने मुल्क का सबसे बड़ा टी वी स्टार बनना है या बहुत बड़ा फिल्म एक्टर बनना है फिल्म स्टार बनना है या एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सब्जेक्ट को लेकर चलना है सोशल अवेयरनेस को लेकर चलना है आई थिंक यू आर वन ऑफ़ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन द कंट्री राइट नाउ एंड योर प्रोजेक्ट्स आर वेरी रिस्पॉन्सिबल आपका अपना डिस्पोजिशन भी ऐसा है योर फैशन सेंस ऐसी सब चीज़ें वह हैं जो कि एक स्टार के लिए क्वालिटीज़ होती हैं डू यू सी योर सेल्फ यू सी योर सेल्फ गोइंग टू वर्ड स्टारडम या मैं और नाम कमाऊँ और पैसा कमाऊँ या और, really yeah. के में क्या करना और क्या नहीं क्यूँकि होता भी यही है मेरे साथ ही, मैं जब प्लान करती हूँ कोई yeah. चीज़ कभी भी अकॉर्डिंग टू द प्लान नहीं बनती है yeah. जाती ही नहीं है yeah. तो वो uh, मैंने अब ये होता है मैंने अपनी जिंदगी को ना बहुत ज़रा उस पर छोड़ दिया कि जो हो रहा है वो आ, और वो obviously आप अपनी चीज़ें प्लान कर भी नहीं सकते नहीं। वो एक सेंग uh, है ना कि मैंने अपने इरादों के बदलने से अपने खुदा को पहचाना हजरत अली की कॉल है तो बड़ी अच्छी बात है ये कि वाकई आप खुदा ने आपके लिए क्या चूज़ किया है और क्या रखा हुआ आपके प्लेट में वो आप कभी नहीं आप कितना कोशिश कर लें कि नहीं मुझे इस रास्ते जाना आपको जाना वहीं पड़ेगा बिल्कुल तो मैं अब ज्यादा मेहनत नहीं करती इस बारे में सोचने में कि अच्छा वो करना है तब वो नहीं हुआ तो मैं डिसहार्ट क्योंकि तो मैं बहुत एक सेंसिटिव और इमोशनल तरह की इंसान हूँ तो मैं अब चाहती मैं ज्यादा अपना इमोशन जो है ना वो बुला बजे इन्वेस्ट ना करू बहुत कर लिया लाइफ में बहुत कर लिया बहुत कर लिया मैं सोचती हूँ थोड़ा सा ना इसको अब कुछ मुझे फीलिंग हो रही है कुछ दिल भी टूटा है मेरा नहीं दिल दिल क्या दिल क्या

स्टेटस uh, लिख रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर कि अच्छा उसने क्यों कर लिया उसने क्यों कर लिया या hmm. दूसरा काम क्यों दिखा रहे हैं हम hmm. अपने इंडस्ट्री hmm. में हम खुद अपने ऐसे राइटर्स लेकर आए या ऐसे या ऐसे एक्टर्स या प्रोडक्शन हाउसेस लेकर आए जो 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 वैसा काम बनाए ना जो लोग hmm. देखना चाहते हैं hmm. राधा सिर्फ कॉमेंट्स करने के दूसरे के ऊपर hmm. तो अगर वो चीज़ नहीं हुई तो प्रोबेबली मैं शायद दूसरे किसी मीडियम में जाके काम करूँ क्या कर सकते हैं आप सिर्फ एक कौन सा मीडियम है मैं सोच रही टीवी फिल्म को छोड़ के कौन सा मीडियम है मीडियम एज इन किसी और इंडस्ट्री में जाकर राइट हाँ राइट मैं आपको थोड़ा सा वापस इसी इंडस्ट्री में ला रही हूँ और जैसे हम रैप अप कर रहे हैं मेरे ख्याल है ये पहला हमारा ऐसा डिटेल्ड इंटरव्यू है जिसमें हमने पूरी अगली पिछली सारी बातें की हैं मुझे ये समझना है दैट फॉर समूटिफुल एंड टैलेंटेड एज यून यू लुक एट एन यू लुक एट स्टार्ज इन द इंडस्ट्री कुछ अल्फाज है मेरे जहन में मैं जानना चाहूँगी आपके क्या थाट्स हैं वो कितने ज़रूरी हैं आजकल फॉर द मेकिंग्स ऑफ अ स्टार लुक्स शक्ल सूरत कितनी जरूरी है फिटनेस एक सर्टन फ्रेम में रहना एक सर्टन तरीके का लगना आई थिंक लुक्स की जहाँ तक बात है लुक्स और फिटनेस दोनों चीज़ें दोनों चीज़ें तो आई थिंक लुक्स की जहाँ तक बात है वो आपके टैलेंट टैलेंट ऑब्वियसली पहली प्रायोरिटी पे होना चाहिए लुक सेकेंडरी हो जाते हैं जब आप टैलेंट होता है तो फिटनेस ऑबली जरूरी होती है फिट तो सभी को होना चाहिए हाँ। चाहे वो कोई भी हो किसी भी फील्ड से हो किसी भी करियर से हो हेल्दी uh, होना फिट होना जरूरी है हाँ दूसरी, है। है। दूसरी चीज़ है टैलेंट और बॉडी ऑफ वर्क कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें इतना टैलेंट नहीं होता उनका काम भी बहुत मेवी होता है लेकिन उनका बहुत नाम बन जाता है आपके लिहाज से टैलेंट

कि रिश्तेदारों को काम मिल जाते हैं दोस्तों को काम मिल जाते हैं हाउ मच ऑफ दैट इज ट्रू आम मुझे नहीं लगता कि इतना ज़रूरी है नेटवर्किंग अच्छा इनफैक्ट मैं तो इनफैक्ट मैं तो अवॉइड uh, करती हूँ कि आप जितना मिलते हैं ना उतना आप uh, मुझे लगता है अपने काम से दूर होते चले हुँ. जाते हैं जितना आप सोशलाइजिंग में पड़ते हैं हुँ. तो मैं आई एम अ पर्सन जो बस जाए काम पे जाए और वापस घर आए और बस फैमिली और इस तरह से कभी किसी को बहुत ही कम मेरे दोस्त में yeah. ऐसे यासिर है इस तरह से because. तो उनसे बात हो गई वन इन अ ब्लू मून लेकिन मुझे नहीं लगता नेटवर्किंग से कोई आज सच नहीं और फैमिली से आप बहुत अपने क्लोज हो बल्कि बहुत ज्यादा यू आर आल्सो टेकिंग ऑफ राइट नाउ अगर आप शेयर करना फॉर 3 मंथ्स फॉर 3 मंथ्स बिकॉज़ अगर आप शेयर करना चाहें बिकॉज़ माय सिस्टर इज एक्सपेक्टिंग दे आर हैविंग अ बेबी माशाल्लाह शी इज गोइंग टू हैव अ बेबी सून इंशाल्लाह तो उसको देखने जा रही हूँ उसके उसका भी एक वीडियो बना के बिल्कुल <laughs> ठीक है अपलोड बिल्कुल ठीक है सोशल मीडिया हाँ। पे प्रेजेंस कितनी जरूरी है आम जरूरी है है हम्म जरूरी है, है।, है। क्योंकि अब सारा जो अब जो मीडिया में ना हमारा वो सब अब सोशल मीडिया पे आ गया है आप देख लें फिल्म्स जो हैं वो वेब पे चली गई है सारी कोई भी आप फैशन ले लें अब आप देखिए कवर शूट्स होते ही नहीं है सारे वो कहते हैं नहीं डिजिटल कैंपेन करनी है हमें। सब चीज डिजिटल हो गई है हुँ. तो आई थिंक अब पेरेंट्स सोशल मीडिया पे और और जब आप इस फील्ड से uh, हैं तो हुँ. तो

यू um, नो you know, ऐसी लाइफ होती है बाहर गए पढ़ा लिखा शादी की सेटल्ड हो गए नाइन टू फाइव जॉब है घर आए खाना खाया टीवी हाँ। uh, फिल्म दे मूवी देखी सो गए फिर उठे नाइन टू फाइव जॉब आए घर आए बच्चे साथ खेला खाना खाया सो गए हाँ। तो मैं कहती हूँ कि ये इतनी मुझे ब्लेस्ड लाइफ लगती है हाँ। रादर हाँ। इसके कि आप हर चीज ही आप सोच रहे हो कभी कभी मुझे इस जब मैं ये सोचती हूँ कि इस तरह का मुझे लगता है कभी कभी जो इग्नोरेंस भी है वो भी एक तरह की ब्लेसिंग है बहुत सारी चीजें आपको ना अम्म इग्नोर करनी चाहिए लाइफ के अंदर जैसे हम अभी भी देख रहे हैं कि सारी जो भी वाकयात होते हैं जिस माशर्त से हम बिलोंग करते हैं और बीइंग अ कितना आ, मुश्किल है ये सोचना कि अच्छा कितने बजे हमें निकलना है क्या पहन के निकलना है हमारी सिक्योरिटी है कि नहीं और अगर आपको यू you नो know, आपको रेप कर दिया जाए तो वो तो उनका हक है और आ, आप घर से क्यों निकली घर से क्यों निकली और आपको नेशनल टेलीविजन बैठ के खातन को गालियाँ दी जा रही हैं बहुत सारे कहीं देखा जाता है कि किसी बाप ने उन्हें बच्चों को मार दिया क्योंकि भूख की वजह से वो खाना नहीं दे पा रहे उन्हें बच्चों ने अपने माँ बाप को सड़क पर ला के यू so, नो you know, ये 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 इतनी सारी चीजें होती हैं कि जो जब आप सोच रहे होते हैं आप कहते हैं कि नहीं मुझे ना ही पता हो अच्छा है क्योंकि आप कुछ कुछ भी हो आप सुनते हैं आप कुछ कर नहीं पाते उसके बारे में नहीं, नहीं। तो मुझे लगता है कि वो लाइफ ज्यादा अच्छी होती है जब आप चले जाए और अपनी जिंदगी गुजार मगर ये तो है ना the trappings of a superstar कि आप उसके अंदर ऐसे आते हो कि फिर निकल भी नहीं सकते जी तो nine to five में तो you can't go back into a nine to five now बिल्कुल वो तो नहीं कर चेक लेकिन लेकिन ये कि एक हद तक इस, इसीलिए ये social media की जो बात है एक हद तक ही मुझे लगता है आपको देखना चाहिए क्योंकि इतना

वो खुद बहुत सेंसिटिव है वो शुरू से इस तरह की चीज़ों को ना इतनी पीसी बातों को किसी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो गई कुछ हो गया तो वो उसको इतना अपने सर पे सवार कर ले और ये रीज़न भी यही है कि जो सर आप मैंने साइन किया है क्योंकि मैं हैंडल कर चुकी हूँ वो चीज़ें सालों मैं कोई आम, शायद छ साल की हूँ जब से मैं अपनी मदर को देख रही हूँ कि वो एक डिप्रेशन फेज से गुजरी हैं और अब जाके वो उससे थोड़ा सा निकली हैं क्योंकि हम बड़े हुए हमने उनकी सिचुएशंस चेंज की हैं उनके हालात चेंज किए हैं तो ये जो आसपास के लोग हैं ना ये बहुत आ, आ, पार्ट प्ले कर रहे होते हैं आपकी जिंदगी में तो इसीलिए सर आपकी भी जो कास्टिंग हो रही थी तो मैंने कहा बहुत जरूरी है कि आप साथ कौन लोग कास्ट कर करें समीर का इसीलिए मैंने कहा कि उसकी हाँ, प्रायोरिटी लिस्ट पे था कि वो है उस तरह का जिस तरह से आपको पैम्पर करना चाहिए हुँ, कैसे इंसान को बिल्कुल जो उस तरह का है इमोशनल लोगों को नहीं हैंडल करना आता

को, जिसका भी वो चैनल है वो पैसे बना रहा है बिल्कुल बिल्कुल तो वो कहता है अच्छा यही बिकता है तो चलो मैं यही दिखाता हूँ तो ओवरऑल एक जो वो क्राइटेरिया बन गया ना वो ये हो गया कि नेगेटिविटी सेल्स और अब हमें बुराई दिखानी है लोगों की बुराई दिखानी है इसकी टांग खींचनी है उसकी टांग खींचनी है और ये माशरा बनता जा रहा है अब हमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो जनरेशन अभी की है उसको चीज देखने ये चीज़ को स्टॉप खुद स्टॉप करने लगाने की जरूरत है होगा खुद ही हर चीज की साइकिल आई थिंक ये एक वेव आई है।, है हाँ ये हाँ। एक वेव आई है जो हमें संभालना नहीं आ रही कहीं भी और मैं वैसे भी हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में इंसान जो है वो थोड़ा तो है

लेकिन ये कि आप मैं देखती हूँ कि आप बहुत ज्यादा ये करती हैं कि खातन को ऐसे क्यों दिखाया है हाँ, हाँ, तो मैं बड़ा आई थिंक आपके हमारे और कुछ और इस तरह के लोग ही थोड़ा सा हमें मजा आता है थोड़ा बहुत नहीं सोनिया ऐसा क्यों हम सुनते हैं कभी कभी नहीं बड़ी बड़ी सिंपल सी बात हम है किसी का नाम नहीं ले रहे नहीं, नहीं बिल्कुल किसी का नाम, कभी नाम नहीं उठती आती है कि जी सोनिया सेट छोड़ के चली गई आप आपने इंटरव्यू किया आपने पूछा था वहाँ पे ये नहीं मुझसे था आप पूछ रहे हैं नहीं मैंने तो नहीं देखिए बड़ी का किया बड़ी सिंपल सी बात है मैं ये समझती हूँ कि नाम किसी का नहीं ले रहे क्या ये मैं तो नहीं नहीं किसी के भी नाम उड़ी उड़ी आई थी नहीं लेकिन एक मैं जनरल बात कर रही करना चाहती हूँ कि देखें इल्म के साथ साथ जो आपको जो चीज़ मोतबर बनाती है ना एक इंसान बनाती है वो अदब होता है बिल्कुल अदब होना बड़ा जरूरी है वरना इल्म तो इबलीस के पास भी था हाँ। इसमें कौन सी ऐसी बात है वो उसको हाँ। भी पता है नमाज के फजाइल बहुत हाँ? <laughs> 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 बहुत गहरी बात की है नहीं तो ये आप ये ये चीज है ना आप देखें आप तमीज से बात करें आप अदब दूसरे को रिस्पेक्ट ड्यू रिस्पेक्ट दें मैं आप ये जो कैमरे के पीछे साहब जो भाई बैठे हैं Obviously, सब इसलिए आते है कि उनको वो रिस्पेक्ट देना को जरूरी है, सब सब वरना फिर वो, वरना कैसे ट्रीट करना है वो <laughs> सबको पता होता है <laughs> तो मैं रिप्लाई देने में बिलीव नहीं करती लेकिन मैं ये जरूर इस बात पे यकीन रखती हूँ कि आप वर्कआउट कर दें उस सिचुएशन से रात उसको बढ़ाने के बिल्कुल सही है

देखती हूँ चीजें सोशल मीडिया पे कि ये सब के रिव्यूज देने के तरीके अलग अलग होते हैं लेकिन होता तो है ना जेनवन रिव्यू जो होता है जो किसी की असलाह के लिए होता है यू you नो know, आप बजाय इसके कि, कि किसी को उल्टा ये कर दें कि अच्छा अब तो मैं करूँगा ही नहीं, नहीं।, नहीं। आप वो एक सेंग है कुछ कि अब मुझे वो दिमाग में आ नहीं रही है लेकिन इसलाह बरए नो you know, सही करने के दूसरे को होनी चाहिए ना कि तनकीद करने के बिल्कुल तो वो तनकीद वाला जो एलिमेंट है ना जिस तरह से पता नहीं कहाँ से कहा ब्लॉगर चले जाते हैं कि कि लिटरली गालियां देने लग जाते हैं एक्टर्स को स्क्रीन पे पता नहीं कौन कौन सी गाली जो मैं बोल भी नहीं सकती <laughs> और कहता है कि डायरेक्टर के तो मुंह पे मैं उठा के कैमरा मार दूं तो आपको पता ही नहीं काम कैसे होता है आप एक काउच पे बैठ के इतना इस तरह से एक मिनट का रिव्यू जो दे रहे हैं आपको पता ही नहीं कि पीछे कितना स्वेट लगा होता है कितना ब्लड लगा होता है उसके पीछे ऑब्वियसली होता है हर किसी का वो आर्क नहीं होता जो दिखाना चाहता है hmm. कि हर कोई नहीं उस तरह से दिखा पाता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत नहीं कर रहे हैं hmm. मेहनत सबकी बराबर होती है hmm. तो मुझे लगता है कि थोड़ा तमीज के हाँ, दायरे में रह के जूर्ण. अगर आप रिव्यू और इस तरह की चीजें ज़्यादा बेहतर खराब हो रही है वो उसको सही करें राधा के और जिद में आ जाने बिल्कुल, के बिल्कुल जो एक्टर्स बहुत करते हैं हाँ, उल्टा रिप्लाई करने लग गए नहीं करना चाहिए ड्रामे देखते रहेंगे और आप हमारे बिल्कुल देखो अगेन Inshallah. And uh, on bigger and even better projects. Inshallah. And uh, again, thank you so much. Thank you so much.